नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। कर्नाटक में मई महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच एक बार फिर से सीमा विवाद शुरू हो चुका है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक के 865 मराठी भाषी गांवों में अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। इसके बाद कांग्रेस ने कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर हमला बोल दिया है। इस पूरे मामले पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि वो महाराष्ट्र सरकार से इस विषय पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र के सीएम को भी ये याद दिलाना चाहता हूं कि जब उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की थी तो कहा था कि उकसावे की बात नहीं होगी। फिलहाल विधानसभा चुनाव से पहले इस पूरे मामले पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। वैसे आज हम आपको ये भी बता दें कि ये सीमा विवाद है क्या और ये कितना पुराना है। हर बार चुनाव से पहले यह मुद्दा चर्चाओं में क्यों आ जाता है, क्यों इतना हंगामा मचता है। आपको बता दें कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच इस विवाद की शुरुआत हुई थी 1956 में संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के साथ ही। उस समय कर्नाटक को मैसूर राज्य और महाराष्ट्र को बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा माना जाता था। राज्यों के पुनर्गठन के दौरान कई कन्नड़ भाषी गांव बॉम्बे प्रेसिडेंसी और कई मराठी भाषी गांव तत्कालीन कर्नाटक यानी कि मैसूर राज्य का हिस्सा बन गए। 1960 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्य बने। अपने गठन के बाद से ही महाराष्ट्र का बेलगाम जिले और 80% मराठी भाषी गांवों को लेकर कर्नाटक से विवाद शुरू हो गया। जब ये विवाद शुरू हुआ तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस निजलिंगप्पा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक थे। दोनों ही राज्यों के बीच अपनी अपनी भाषाओं के गांवों पर दावों को देखते हुए तत्कालीन केंद्र सरकार ने इस विवाद के निपटारे के लिए 25 अक्टूबर 1966 को सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन कर दिया। आयोग ने 1967 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी जिसमें उसने कर्नाटक के 264 गांवों को महाराष्ट्र में शामिल करने और महाराष्ट्र के 246 गांवों को कर्नाटक में शामिल करने की सिफारिश की थी। हालांकि इस रिपोर्ट पर दोनों ही राज्यों में सहमति बनी नहीं। इसी बीच 1 नवंबर 1973 को मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। तब से विवाद महाराष्ट्र बनाम कर्नाटक के रूप में हम सब जानते हैं। अपने दावे को मजबूत करने के लिए 1981 में कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री गुड्डू राव ने बेंगलुरु में 515 किलोमीटर दूर बेलगांव में अपनी कैबिनेट की बैठक की। हालांकि दोनों ही राज्यों के बीच गतिरोध बना रहा। महाराष्ट्र ने इस विवाद को सुलझाने के लिए साल 2004 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शीर्ष अदालत में तब से इस मामले की सुनवाई लगातार जारी है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि सिर्फ भाषा के आधार पर सीमा का बंटवारा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी की वजह से कर्नाटक की दलीलें मजबूत होती चली गई। हालांकि महाराष्ट्र का कहना यह है कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों की इच्छा भी महाराष्ट्र के साथ जाने की है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सामने जनमत जानने की चुनौती भी होगी। कर्नाटक ने एक और भी काम किया जिससे कि इस विवाद को और ज्यादा हवा दे रखी है। दरअसल कर्नाटक ने बेलगाम पर अपने दावे को और ज्यादा मजबूत करने के लिए साल 2007 में बेलगाम में विधानसभा भवन बनाने का फैसला किया ताकि विधानसभा का शीतकालीन सत्र बेलगाम में आयोजित किया जा सके। साल 2012 से कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र बेलगाम में होने लगा और हर विधानसभा सत्र के दौरान महाराष्ट्र की ओर से इसका विरोध किया जाता रहा। दूसरी ओर बेलगाम का मामला महाराष्ट्र की सभी पार्टियों के चुनावी एजेंडे में रहता है। 6 दशक से महाराष्ट्र विधानसभा परिषद के संयुक्त सत्र में गवर्नर के अभिभाषण में सीमा विवाद का जिक्र हमेशा होता है। फिलहाल इस मुद्दे को हल करने के लिए केंद्र सरकार ने अभी इसी महीने एक कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी में महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल, मंत्री शंभुराज देसाई और मंत्री दीपक केसरकर तथा कर्नाटक राज्य से मंत्री गोविंद करजोल, मंत्री शशिकला जोले और मंत्री मधुस्वामी शामिल हैं। हालांकि इसके बाद से ये नया विवाद सामने आ चुका है। फिलहाल कर्नाटक में अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसीलिए राज्य में इस भावनात्मक मुद्दे को लेकर माहौल गर्म हो चुका है। कर्नाटक चुनाव से जुड़े ऐसे ही ढेरों विश्लेषणों के लिए चुनाव आज तक चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।